الحمد لله الذي أبدغ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بكاري خيش خير لهم أغسني يا رسول الله پریشانم أغسني يا رسول الله شہاب قسم وازی کو طبیب چار سازی کو مریض درد وسیان اغسنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جس دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ آواز بلند درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم نقیب اہل سنت حضرت مولانا اظہر رضا صاحب قبلا و فیضی طاہری سبحان اللہ کہتے ہیں بڑی محنتیں کی ہیں یہ ان کا علاقہ ہے اور میں بھی کوئی آپ کے لیے نیا نہیں ہوں میرا بھی اس گاؤں سے بہت ہی پرانا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے برادر عزیز جناب محترم عظیم الدین صاحب نے 20 سال پرانا کلام آپ کو سنایا ہے میں 10 سال کم کیے دیتا ہوں 10 سال پرانا سن لیں زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ یہ میں نہیں ہر مومن کا دل کہہ رہا ہے اور اپنے ہی نہیں غیر بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کعبہ رسول کا شریعت رسول کی یہ سوچ کے بولیں کہ سرکار ہمیں دیکھ بھی رہے اور ہماری آواز بھی سن رہے ہیں سبحان اللہ کہ کعبہ رسول کا شریعت رسول یہ بول جائے آپ کی مہربانی ہے آج کا جلسہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں بولے گا تب بھی ہمیں تبریک کرے گا بے شک آپ سمجھتے ہیں شریعت رسول کی شریعت رسول کی کہ کعبہ رسول کا ہے شریعت رسول کی ارے ہر دور میں رہے زندہ باد دور میں
सुभान अल्लाह भाई सुभान रहे की जरूरत वाह वाह रसूल हमारे सुन्नत वाल जमात है अल्लाह के करम से हमें आज भी नबी की जरूरत है कल भी नबी की जरूरत जब तक जिंदा है लम्हा लम्हा नबी की जरूरत और जब मर के कब्र में पहुंचेंगे वहां भी नबी की जरूरत इसलिए मेरा दिल कहता है कि हर दौर में रहेगी जरूरत हम आपसे इसलिए बुलवाते हैं कि सारी ठेकेदारी तो हमारी है नहीं हो सकता है आपके अंदर कोई अल्लाह का ऐसा पसंदीदा बंदा बैठा हो कि वो अगर रब का नाम ले तो अल्लाह सबका आना कबूल कर ले सुभान अल्लाह अब आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं हर दौर में रहेगी जरूरत सुभान अल्लाह बोला बोलिए पढ़ा दीजिए बुलंद आवाज से कहिए जरूरत रसूल की जरूरत रसूल की बोले जरूरत रसूल की सुभान अल्लाह और हो जाए हम इनायत रसूल की अरे देखा करे जो ख्वाबों में सूरत रसूल की सूरत रसूल की देखा करे जो ख्वाबों में सूरत रसूल की और आखिरी शेर सुन ले और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह के देखा करे जो ख्वाबों में सूरत रसूल की जरूरत रसूल और हजरत मोहतरम अगर हम वाकई हकीकत में गुलाम रसूल बन के रहे तो इंशाल्लाह ये मकाम भी अल्लाह ने ईमान वालों को दिया है हमें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए फख्र करना चाहिए क्या मकाम दिया समाप्त करें कि हर दौर में रहेगी जरूरत रसूल की और जलसे में आने वालों कसम खुदा की रूह ईमान ताजा हो जाएगी जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के हर दौर में रहेगी जरूरत रसूल की और जन्नत में जन्नत में पहले होगा हमारा ही दाखला क्यों के अल्लाह पसंद है उम्मत रसूल के उम्मत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसिया मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी नामुल हक साहिब क़िबला अल्लाह को पसंद है उम्मत हजरत मोहतरम आज हम दर बदर की ठोकरे खा रहे हैं परेशानी का शिकार हो रहे हैं दर बदर जो है वो कामयाबी तलाश कर रहे हैं कामयाबी कहाँ है हर आदमी इस फिक्र में है कि मैं कामयाब हो जाऊं मुझे बुलंदी मिल जाए मुझे शोहरत मिल जाए लेकिन जलसे में आने वालों अल्लाह ताला का ये इनाम देखें अल्लाह ताला का ये करम देखें मेरा मौला अपने मुकद्दस कलाम में फरमाता है कद अफलहल मोमिनून अल्लाह फरमाता है तहकीक कामयाबी ईमान वालों के लिए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कामयाबी किसके लिए है ईमान वालों ईमान वालों के लिए कलमा पढ़ने वालों के लिए महबूब खुदा के गुलामों के लिए अल्लाह कह रहा कामयाबी मोमिनों के लिए है
मुसलमानों के लिए है, मगर जब हम अपना हाल देखते हैं तो हमारे अपने हाल इजार पे रोना आता है। सबसे ज्यादा परेशान आज के दौर में हम, सबसे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का शिकार हम हो रहे हैं। दर बदर हमें जलील किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों ये याद रखे, जो अल्लाह ने कह दिया वो बदला नहीं जा सकता, जो मेरे रब ने कह दिया वो हक है, वही हो रहा है, वही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है, कामयाबी ईमान वालों के लिए। और हम अपना हाल देख रहे हैं तो परेशानी का शिकार हो रहे हैं। मकसद क्या है, जरा और आगे बढ़ो तो मेरा वाला फरमाता है कामयाबी मोमिनों के लिए है जरूर, मगर किन के लिए है, कौन से मोमिनों के लिए है? तो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। पागल कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी है तुम्हारे लिए, कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर रहेगा, हर मैदान में तुम कामयाब रहोगे, मगर मेरे बंदों कामयाबी बैठे बैठे नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें शानदार बिस्तरों में नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें एयर कंडीशन मकानों में नहीं मिलेगी। ए मौला फिर कामयाबी कहाँ है? तो अल्लाह फरमाता है उनके लिए कामयाबी है जो नमाजों में अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से कह दे, कामयाबी किसके लिए? जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, 40 साल के हो गए कभी भी गौसे आजम की बिरयानी नहीं छोड़ी, 50 साल के हो गए कभी मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ा, कभी ख्वाजा मईनुद्दीन का तबर्रुक नहीं छोड़ा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े। एक साहब तो हमसे मसला पूछ रहे थे, सारी उमर साहब अली 11वीं के महीने में पुरानी बुढ़िया, बहुत सारी बुढ़िया ऐसी हैं जो मौलवियों से भी आ गई, जो बात मौलाना नहीं बता वो घर में बैठ के बता रही है। बुलाया और बुलाने के बाद बोली मौलाना हमारा लड़का जो है वो बाहर काम कर रहा है, अगर महीने के अंदर 11वीं ना की तो कोई ऐसा तो नहीं है गुनाहगार हो जाए? तो मैंने कहा पूरा आजाद जो है उसी पे आ जाएगा। मैंने कहा ये बताओ नमाजों का क्या हाल है? नमाज बोले जुम्मे का जुम्मा पढ़ लिया, जुम्मे का जुम्मा पढ़ लिया, उससे आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। प्यारी अजीज ज्यादा इधर उधर ना जाते हुए सीधे सीधे बता दूं के बुजुर्गों का नारा लगाते लगाते आवाज बिठा लेने वाले, बुजुर्गों के नाम का तबर्रुक खा खा कर जिंदगी गुजारने वाले, जब तक बुजुर्गों की जिंदगी नहीं समझेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। अबे बिरयानी तुम खाओगे, तबर्रुक तुम खाओगे, तो फिर उनका तरीका कौन इख्तियार करेगा? और आजकल तो साहब कोई मियाँ आ जाए बस कैसी रंग बिरंगे कपड़े पहन गए, बड़े पहुंचे हुए साहब, बड़े पहुंचे हुए, नमाज एक वक्त की नहीं, दो चार पीर तो मैंने ऐसे देखे कि नमाज सही माना बजाते नहीं जी, और पब्लिक पीछे पड़ी है। अबे पीर तलाश करना है तो दुनियादारी में तलाश ना करो, विलायत के गुलशन में आ जाओ, अब्दुल कादिर की जिंदगी बता देगी कि वली किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक की जिंदगी जब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 साल, अरे 50 साल का हुआ फिर रहा, कभी 40 रातें ऐसी नहीं आई कि ईशा के वुजू से ईशा की नमाज पढ़ ले। दावा दे बोलो साहब के बॉस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बॉस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबे आंखें खोल के तो देख लिए के बॉस की बिरयानी नहीं छोड़ेंगे। अबे दामन हाथ में होता तो ये हो नहीं सकता के बॉस का दामन हाथ में हो और बेनमाजी रह जाए, बॉस का दामन हाथ में हो और झूठ का बाजार गर्म करने वाला हो जाए,
गौस का दामन जब हाथ में होगा तो दिल अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए बेकरार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाल बदल रखा है साहब। एक छोटा सा वाकया सुन ले और बात खत्म कर ले। कह दो सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों को समझो। आज मस्जिदें खाली हैं, तुम्हें तरस रही है मस्जिदें देखने के लिए। इमाम साहब को रख लिया जाओ, नमाज भी वही पढ़े, अजान भी वही दे, सारे काम वही करें। और बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो जन्नत में जाने तैयार हैं। धोखे में ना रहो। पीराने पीर जसरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग सोचते हैं मर्तबे ऐसे मिल जाते हैं, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। पहले अपने आप को अल्लाह के इश्क में फना करना होता है। सुभान अल्लाह। तब जाके कामयाबी मिलेगी साहब। अबे गौसे आजम का बचपन देखो। एक दिन गौसे आजम ने एक बैल की दुम पे हाथ रख दिया। बचपन के आलम में छोटे जब हाथ रखा तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया और बैल को बोलने की ताकत अता फरमाई। अरे वो खालिक है, जब चाहे जिस पे चाहे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाए। बैल ने मुड़ के देखा और कहा, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है। ये बैल की दुम से मुझे एक बात याद आ गई कि एक औरत ने ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह से एक सवाल पूछा। और सवाल भी ऐसा था कि अगर आजकल कोई पूछ ले तो पुश्ती हो जाएगी, या तो वो नहीं या वो नहीं। वो औरत बोली, हजरत एक सवाल पूछना है। कहा, कहो। कहा, ये बताओ कि मेरे बैल की पूंछ अच्छी है या आपकी दाढ़ी अच्छी है? अगर कोई दाढ़ी वाले से पूछ ले क्या होगा? पूछा, इतना कहा तो अल्लाह का वली मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने फरमाया, औरत है तो मेरी दाढ़ी ही अच्छी, लेकिन अगर मेरा खात्मा ईमान पे ना हुआ तो तेरे बैल की पूंछ अच्छी है। अल्लाह अल्लाह। हम क्या कर रहे हैं? दुनियादारों के दुनिया वालों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहा है कि हमारा ईमान तो खतरे में नहीं पड़ रहा है। ये गौसे आजम है, जल्दी से बता दूं। घर गए और माँ से बोले, ये माँ, हमारा इरादा ये है कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को दीन के लिए वक्त कर दें। बड़ी तेजी से बता रहा हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, रुख्सत कर दिया, 40 शर्फिया सोने की आपके हवाले कर दी। और माँ ने क्या कहा, बेटे कितना ही मुश्किल मकाम आ जाए, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। हम मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हद तो ये है कि अंदर दाखिल हो गए तब भी झूठ का बाजार गर्म है। क्या हो रहा है आजकल? चप्पलें चुभ रही है मस्जिदों में, मदरसों में चुभ रही है, खानकाहों में चुभ रही है। और मौलाना अजहर साहब, एक चोरी तो ऐसी हुई कि मेरी अकल हिल गई। एक बच्चे के चप्पलों की चोरी ऐसी हुई कि बद्दी निकाल के ले गया और तलवे छोड़ गया। कितना अजीब काम है। माँ नहीं समझा रही है, नहीं बता रही है। तिराली रोड में जा रही है, लड़के से गन्ना खिंचवा रही है, पलंग पर बैठ के खा रही है और बाद में कह रही है, अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। तो मन का, ये तो बाद में बनेगा, पहले तू, मुझे लग रही है तू बनेगी पहले। और गौसे आजम की मां कह रही है, कैसे ही मकाम आ जाए, मगर बेटे अब्दुल कादिर, मेरा पैगाम है कभी झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत कारी ज़हीर साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हजरत मौलाना अजहर रजा साहिब, हजरत मौलाना हजरत को अल्लाह ने ये कमाल दिया है कि रूहानी इलाज भी कर रहे हैं और आदमी वैसे न माने तो जिस्मानी इलाज भी कर रहे हैं। अल्लाह तरक्की अता फरमाए। हकीम भी है हजरत। अल्लाह से दुआ है कि मौला इनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा शिफा अता फरमाए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह के खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे के खुदा जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की। अरे रहेगी हर घड़ी उस पर इनायत गौसे आजम की। हजरत बात को जल्दी से लाके खत्म करो कि गौसे आजम तो माँ ने क्या कहा बेटे झूम। अरे बोलो यार झूम नहीं बोलना। और आज हमारा हाल ये है गौसे पाक की बिरयानी खाने वालों का हाल ये है। सबको मैं नहीं कह रहा हूँ मगर ज्यादातर हाल ये है कि जब तक झूठ ना बोल ले दिल को चैन नहीं आ रहा उनके। और बाद में ये कह रहा साहब हम तो ख्वाजा के भी आशिक हैं, ज़ाबिर साहब के भी आशिक हैं, आला हजरत के भी आशिक हैं, फिर भी परेशानी। अबे परेशानियों को हम खुद दावा दे रहे हैं। वो नौजवान जिसे पंज वक्ता पांच नमाजों में हाजिर होना चाहिए था उस नौजवान का आलम ये है कि आठ आठ दिन एक एक हफ्ते नापाक फिर गया। बोले चलो नमाज पढ़ो। बोले मौलाना नापाक है नापाक है नापाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर में नापाक हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कितने लाके ताबीज डाल लो कुछ भी कर लो अपने आप ने संभाल। गौसे आजम काफले में गए डाकू ने घेर लिया लूटमार की। एक डाकू ने आकर आपसे पूछा कि बच्चे तुम्हारे पास क्या है। कहा 40 शर्फियां सोने की। वो चला गया कि हो सकता है बच्चा मजा कर रहा हो। आखिर में उसने अपने सरदार से कहा कि हजरत एक बच्चा है बड़ा नूरानी चेहरे वाला है। हमने पूछा तो कह रहा 40 शर्फियां ढूंढते नहीं मिलती बुलाया। और डाकुओं का सरदार बोले बेटे तुम्हारे पास क्या है। कहा 40 शर्फियां है। सुभान अल्लाह। कहा है निकाल के हवाले कर दी। डाकुओं के सरदार ने कहा ये बेटे मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है तू अगर बचाना चाहता तो तेरा माल बच जाता। छुपाया क्यों नहीं बताया क्यों। गौसे पाक की 11वीं करने वालों गौसे पाक के नाम का नारा लगाने वालों मेरा गौस बोला। अब्दुल कादिर जिलानी बोले कि मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। झूठ बोलने से क्या होगा अल्लाह। अगर कभी तुमने सोचा करो कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। माँ बाप को गाली देंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अपने से बड़ों की बेइज्जती करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा ये ख्याल हो गया कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमारी गलत रवी से अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर ये बात दिल में बैठ गई तो कसम खुदा की कामयाबी खत्म चुकी है। बेशक तो जा तुम तो ये हो कि नमाज बिल्कुल ना पढ़े रोजा एक ना रखे कोई मियां मिल जाए तावीज दे दे जन्नत में पहुंचा दे। डाकू के सरदार ने कहा छुपाया क्यों नहीं। कहा माँ ने कहा झूठ नहीं बोल रहा। तो सरदार ने कहा माँ देख नहीं रही है तो कहा जिस अल्लाह ने माँ को भी पैदा किया है मुझे भी पैदा किया है तुम्हें भी पैदा किया है वो अल्लाह देख रहे। सुभान अल्लाह। अबे जब इतना कहा तो सरदार रोने लगा और कहा हाथ बढ़ा
और अपने हाथ में मेरा हाथ ले ले, मैं तौबा कर रहा हूँ कि आज के बाद जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे अजीज, कामयाबी आज भी हमारे इंतजार में है। हम अपने आप को बदले और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लीजिए कि मोहब्बत से दिल को सजाना पड़ेगा, मोहब्बत से दिल को सजाना पड़ेगा और मदीने के रास्ते पे जाना पड़ेगा, मदीने के रास्ते पे। आखिरी शेर सुने मोहब्बत से, बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मदीने के रास्ते पे जाना पड़ेगा और अगर चाहिए हश्र में तुमको जलना, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा, तो पहले नबी को उनके लिए के जो नमाजों में अल्लाह के हुजूर मिल जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझ अता फरमाए और अल्लाह और उसके महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन।